हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? क्या बेटा? कुछ कह रहे हो क्या? हाँ भाई, जस्ट टेल मी, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो ये बताइए। ऑल राइट, इज द ऑडियो एंड वीडियो बोथ क्लियर? वीडियो इज ब्लर्ड, जस्ट देखो ये दिखाई दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? ब्लर्ड है क्या? It's good enough. Can you see? पढ़ने में आ रहा है? Okay. तो भाई बताओ क्या हाल चाल है? All good? Yes, sir. बहुत सारे बच्चों से शायद पहले मुलाकात हो चुकी है मेरी। Yes. Some of us have met before, some have not. Yes. तो बेटा जिन लोगों से पहली पहली बार मुलाकात हो रही है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम गुंजित श्रीवास्तव है, वो तुम्हें लिंक से पता चल गया होगा, ठीक है जी। और जिस चैप्टर के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वेव्स, ठीक है जी। बड़ा बढ़िया सा टॉपिक है और थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं इस टॉपिक के बारे में तो इसकी जो वेटेज है वेव्स के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। वेव्स के अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स के बाद साउंड वेव्स और साउंड वेव्स के बाद हम कवर करेंगे वेव ऑप्टिक्स। अच्छी बात देखो इस चैप्टर की है, इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि ये श्योर शॉर्ट स्कोरिंग होता है। श्योर शॉर्ट स्कोरिंग का मतलब क्या है? अगर पेपर में इस पूरे से मिला के चार सवाल आ रहे हैं तो वो चार सवाल आपको श्योर शॉर्ट 16 नंबर देके जाएंगे। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं अगर ढंग से पढ़े गए। ये बात समझ में आती है आपको? एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, कुछ भी पढ़ने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले, कि वेव्स जो आपकी जनरल मैकेनिक्स आपने पढ़ी है अभी तक, पार्टिकल डायनेमिक्स जो आप पढ़ के आए हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास,
उससे अलग। बट हाँ SHM जो आपने पढ़ा है अभी, मेरे ख्याल से SHM आपके सबका कंप्लीटेड है, SHM का हम लोग काफी इस्तेमाल करेंगे बेस चैप्टर के अंदर, क्या ये बात समझ में आती है? सारे बच्चों ने कर लिया है ज्वाइन या अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं? एनीबडी स्टिल ज्वाइनिंग? देखो बेटा Somebody's mic is open. दिव्या बेटा माइक ऑफ रखो अपना। हाँ भैया, क्योंकि बेटा इतनी सारी जनता है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने टाइम मैं आपसे बात करूं उतने टाइम आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, बाकी प्लीज आपस में बातें करने के लिए माइक का इस्तेमाल ना करें। बात समझ में आती है? अच्छा, एक और चीज, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट दिस क्लास, लेट मी टेल यू टू थम्स रूल। आप में से कुछ बच्चे से मुलाकात मेरी हो चुकी है, कुछ बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पहली बार मिल रहे हैं, राइट, दिस इज द फर्स्ट टाइम। दो थम्ब रूल्स है। पहला थम्ब रूल, क्लास में आपको कुछ भी समझ में अगर नहीं आए, बिंदास बोल ले, देन एंड देयर पॉइंट इट आउट। तुरंत बोलो कि सर ये चीज मेरे को नहीं समझ में आती, मेरे को प्लीज दोबारा समझा दो। किसी भी तरीके की हेजिटेशन रखने की, किसी भी तरीके की झिझक रखने की कोई जरूरत नहीं। पहली बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात, कीप द क्लास इंटरैक्ट। ऑलरेडी वी आर इन ऑनलाइन मोड, बट वी कैन कीप द क्लास इंटरैक्ट। कीप द क्लास इंटरैक्टिव मतलब चार सवाल आप पूछेंगे, फिर चार सवाल हम आपसे पूछेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रही है? चलो आओ काम की बात शुरू करते हैं और एक सिंपल सी चीज के बारे में बात करते हैं। पहले ध्यान से सुनना, जितनी कहानी बताई जा रही है उसको सुनो। ये शब्द तुमने पहली बार तब सुना होगा जब तुम क्लास सिक्स और सेवेंथ में थे। वेव्स का नाम उससे पहले भी हो सकता है सुना हो बचपन से, समंदर में वेव्स देखी हैं तुम सबने, जनरली पानी में भी वेव्स देखी हैं, बट टेक्निकली जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है उसमें दिस वर्ड यू हर्ड फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर इन क्लास सिक्स, तब से आप ये सुनते आ रहे हैं। साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऐसी वेव, वैसी वेव। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ाया गया होगा आपको, तो केमिस्ट्री में भी आपको ये बताया गया होगा कि मैटर के दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर, एक है वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर, पढ़ा है आप सबने। बेटा ये है कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी बच्चों को ये एग्जैक्टली नहीं पता होता कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में अंतर क्या है। हम कहते तो है कि एक वेव नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है, क्या फर्क है फंडामेंटली वेव में और पार्टिकल? अभी तक आपने जितनी मैकेनिक्स पढ़ी है दैट इज पार्टिकल डायनामिक्स, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, कोई मुझे बता सकता है? किसी को कोई, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें किसी लेमैन को समझाना है, लेमैन मतलब जिसे कोई फिजिक्स नहीं आती, कुछ नहीं आती, ये समझाओगे वेव्स क्या है? हाँ ठीक है, और चलो इधर देखो, ध्यान सुन बेटा। मान लो मेरे हाथ में पत्थर है और मैंने ये पत्थर लिया और पत्थर खींच के तुम्हारे सर पर मार दिया, तो जब ये पत्थर चल रहा है, जस्ट लिसन टू मी, ये पत्थर है मेरे हाथ में, ये पत्थर ऐसे गया v स्पीड से, थोड़ी देर के बाद ये पत्थर ऐसे गया, यहाँ पे v स्पीड है इसकी, फिर ये पत्थर ऐसे गया, ये v स्पीड है, ऐसे गया, ये v स्पीड है, मतलब ये पत्थर ऐसे था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। सोच के बताइए, क्या ये पत्थर अपने साथ एनर्जी लेके चल रहा है? ये पत्थर अपने साथ काइनेटिक एनर्जी ले, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहा है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है? बोलो, आया ना? यस। और यहां पर एनर्जी के ट्रांसफर के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान से देखना, ये जो मास है इसका भी ट्रांसफर हो रहा है, ये पहले यहां था, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर कराने के लिए मास को भी ट्रैवल होना पड़ रहा है। पत्थर यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर आगे चला गया, क्या ये बात समझ में आती है? इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टिकल नेचर में क्या होता है? पार्टिकल नेचर
एनर्जी के ट्रांसफर का एक ऐसा तरीका है जिसमें एनर्जी के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होता है। अब आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि एनर्जी तो ट्रैवल करे पर मास का कोई ट्रांसफर ना, किसी भी मास का कोई ट्रांसफर ना हो। अगर ऐसा हो जाए तो उस मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग वेव कहते हैं। यानी कि वेव का मतलब क्या है, एनर्जी के ट्रांसफर होने का ऐसा तरीका जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है। एनर्जी ट्रांसफर विदाउट मास ट्रांसफर इज कॉल्ड वेव मोशन। क्या ये बात समझ में आती है? अब तुम बोलोगे सर ये कैसे, मतलब ये तो आपने बोल दिया ये कैसे हुए? तो इधर देखो भाई, कम हियर, इधर देखो, ये दिख रहा है? अरे ये दिख रहा है? हाँ भैया, कौन है ये? मिस्टर पांडे। कोई पांडे है तो नहीं तुम में से? पांडे जी हैं तो नहीं? दिल पे मत ले लेना भैया, बात समझ में आती है? और ये कौन है भैया? दिस इज पांडे, पांडे जी की धर्मपत्नी, बात समझ में आती है? अब भाई देखो कहानी क्या है। कहानी कुल मिला के ऐसी है कि मिसेस पांडे को 100 रुपए चाहिए। क्या चाहिए मिसेस पांडे को? और पांडे जी को जाना पड़ेगा देने, और तो बेचारे के जीवन में कोई काम नहीं है, पांडे जी को 100 रुपए देने इनको जाना पड़ेगा। आप खुद से सोचो पांडे जी के पास कितने तरीके हैं 100 रुपए देने के। मैं दिखाता हूं आपको दो तरीके। पहला तरीका, पांडे जी खुद जाए चलते हुए और खुद जाके अपनी धर्म पत्नी को 100 रुपए पकड़ा दे। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? ये जो 100 रुपए हैं ये यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? अरे व्हाट इज दिस एनर्जी? क्या एनर्जी का ट्रांसफर हुआ? बिल्कुल हुआ सर, लेकिन इस एनर्जी के ट्रांसफर के लिए पांडे जी को खुद उठ के यहां से यहां आना पड़ा। यानी कि मास का भी क्या हुआ है? ट्रांसफर। ये कैसा नेचर हुआ बेटा? आर्टिकल नेचर। अब बस अब सुनो, दूसरा तरीका क्या है पांडे जी के पास? पांडे जी के पास दूसरा तरीका है कि पांडे जी वो 100 रुपए बगल में खड़े हुए तिवारी जी को दे दे, तिवारी जी वो 100 रुपए बगल में खड़े हुए शर्मा जी को दे दे, और शर्मा जी वो 100 रुपए मिसेस पांडे को पकड़ा दे। बोलो बात समझ में आती है? अब सुनिए ध्यान से, इस केस में जो मैंने ऊपर दिखाया, क्या इसमें भी 100 रुपए का ट्रांसफर हो गया? मतलब एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई ना भैया, एनर्जी यहां से चली थी यहां पहुंच गई। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? देखिए, क्या पांडे जी डिस्प्लेस हुए? क्या तिवारी जी हिले? क्या शर्मा जी हिले? इसका मतलब क्या किसी मास का कोई ट्रांसफर हुआ है? नो। किसी को बच्चे क्या बोलते हैं हम लोग? वेव का मतलब एनर्जी इधर से उधर चली जाए पर मास का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो रहे। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जो मैं लिखा रहा हूं लिखे, हेडिंग लिखे वेव्स, उसके नीचे लिखना शुरू करिए। वेव इज ऑफ, बात इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन विच नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास इन्वॉल्व इज जीरो। इन विच नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास इन्वॉल्व is zero, in which net displacement of mass involved is zero. बात समझ में आई कि नहीं है? अब मेरी बात सुनो बेटा, एक चीज समझो, यहां मैंने displacement के पीछे एक शब्द लिखवाया है आपको net, इसकी बड़ी importance है। जैसे आप इस वाले example को जरा आंखें फाड़ फाड़ के देखिए ना,
पांडे जी, ना तिवारी जी, ना शर्मा जी और ना मिसेस पांडे, इसमें से कोई भी बिल्कुल भी हिला नहीं था। बोलो मानते हो कि नहीं मानते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मास हिल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि कोई भी मास हिल ही नहीं सकता। अगर ये मास इन्वॉल्व की मैं बात करूं तो ये मूव कर सकते हैं, इनका मूवमेंट अलाउड है, बशर्ते इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए। मतलब ये जैसे है इनिशियली, ये घूम के वापस वहीं पे आ जाए, इनका नेट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसको सर हम कैसे फील करें, आओ इसको फील करवाते हैं। इधर देख, ये बेटा पांच बच्चे हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। ये पांचों एक के पीछे एक के पीछे एक खड़े हुए। अब देखो क्या हुआ कि ए को मस्ती सूझी और ए ने बी में धक्का दे दिया। बोलो बात समझ में आ रही है। जैसे ए ने बी को धक्का दिया तो ये बी थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाएगा कि नहीं, ये लड़खड़ाएगा, लड़खड़ा के ये टकराएगा सी से। ये किससे टकराएगा बेटा, और सी से टकराने के बाद ये खुद को बैलेंस कर लेगा और वापस वहीं आ जाएगा जैसा था। बात समझ में आई। अब सी वाले भैया है, ये सी वाले भैया थोड़ा सा लड़खड़ाएंगे, लड़खड़ाने के बाद ये अपने पुश को डी को ट्रांसफर कर देंगे एंड इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देन डी विल बी इंबैलेंस्ड, डी थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, लड़खड़ा के डी ई से टकराएगा और डी वापस लड़खड़ाने के बाद वापस वहीं आ जाएगा जैसा वो था। क्या ये बात समझ में आ रही है? बात बताओ बेटा, एनर्जी डी किसने दी? क्या वो एनर्जी ई तक पहुंच गई? एनर्जी का ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया? इसमें से जितने भी ये मासेस इन्वॉल्वड है, बी सी डी ई ए, क्या ये हिले ही नहीं है? ये तो है, लड़खड़ाए तो थे, ये भी लड़खड़ाए तो थे, बट इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? और घूम फिर के वापस वहीं आ गया, यानी कि क्या ये वेव मोशन है? इसीलिए बेटा डिस्प्लेसमेंट के पीछे नेट वर्ड लिखवाया है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब एक बात बताओ बेटा, स्टेटमेंट बेटा वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन विच नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मासेस इन्वॉल्वड इज जीरो। बात समझ में आ गई? बोलो बेटा कोई दिक्कत है? अब बेटा मैं एक चीज तुम्हें यही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आगे चल के हो सकता है तुम्हारे दिमाग में डाउट हो। रियल लाइफ में तुम्हें एक बात बता, जितनी तेजी से ए ने धक्का बी को दिया होगा, क्या उतनी ही इंटेंसिटी का धक्का ई को भी फील होगा? जब ये एनर्जी ऐसे करके ट्रैवल करेगी तो इसका लॉस हो जाएगा रास्ते में, आया ना? कॉमन सेंस की बात है। अगर ये पांडे जी बगल में खड़े हुए तिवारी जी को 100 रुपए देंगे तो मिसेस पांडे तक 100 थोड़ी पहुंचेंगे, मिसेस पांडे तक तो 50 ही पहुंचेंगे, 50 रुपए के रास्ते में खा जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है? अरे करप्शन है ना भाई, है कि नहीं है? रास्ते में हो जाएगा एनर्जी का लॉस, लेकिन हम लोग परफेक्टली आइडियल केस मान के चल रहे हैं। परफेक्टली आइडियल का मतलब है हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, सारे लोग ईमानदार हैं, यानी कि जितनी एनर्जी अपने सोर्स से चलेगी उतनी टारगेट या रिसीवर तक पहुंचेगी। बोलो बात समझ में आई? अब एक चीज और समझ लो, अब इस कहानी को समझाते हैं। इस पूरी रामायण में इनके बारे में बात करेंगे, किनके बारे में बात करेंगे? तुम्हें क्या बताओ, इस पूरे प्रोसेस में इस बी का काम क्या है? अगर मैं तुम्हें मोटा मोटा समझाऊं तो देखो, क्या तुम ये मानते हो कि इस बी का काम क्या है? इस बी का काम है ए से एनर्जी लेना और सी को आगे बढ़ा देना, नहीं? यही बात समझ भाई इसका। मान लो मैं बी हूं तो मेरा काम क्या है? इस हाथ से एनर्जी लेना और दूसरे हाथ से एनर्जी आगे बढ़ा देना, यही तो काम है मेरा। तो अब आप एक बात बताइए, क्या ये डिस्प्लेस हुआ था कि नहीं हुआ था अपनी ओरिजिनल पोजिशन से? समझाइए कि ऐसा क्यों हुआ।
मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आप जरा सोच के देख, मान लो मैं बी हूं, अब मैंने अपने इस वाले हाथ से राइट हैंड से इधर से एनर्जी ली टी बराबर जीरो पे, टी बराबर जीरो पे मैंने इससे एनर्जी ली, सो क्या मैं टी बराबर जीरो पे ही आगे पास ऑन कर दूंगा या जब मैं पास ऑन करूंगा उसमें छोटा सा टाइम इंटरवल होगा? बिल्कुल होगा, यानी कि अगर ये बी है और इधर से मैंने एनर्जी टी बराबर जीरो पर ली है तो इधर जब मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा क्या वो टी बराबर डी टी होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो। तो इसका मतलब अगर मैंने इधर से जीरो पे ली और इधर डी टी पे बढ़ाई तो क्या वो एनर्जी कुछ टाइम के लिए मेरे पास थी, टाइम इंटरवल के लिए वो एनर्जी मेरे पास थी? और अगर बेटा डी टी टाइम इंटरवल के लिए वो एनर्जी मेरे पास थी तो क्या वो उतने टाइम के लिए मेरे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी कि नहीं करेगी? मैं अपने इक्विलिब्रियम में तभी वापस आ पाऊंगा जब मैं उस एनर्जी को रिलीज कर दूंगा, जब मैं उस एनर्जी को छोड़ दूंगा, मानते हो कि नहीं? बस मैं वो एनर्जी आगे बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ा के मैं वापस वहीं आ जाऊंगा, मेरा काम खत्म, मेरा दुनिया में काम खत्म हो गया, यही वेव मोशन है। इज दैट क्लियर? आपको वेव का ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गया? आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंसेस हैं तो क्या आप बता पाइएगा? एनी प्रॉब्लम विद दिस? सुनिए बेटा ध्यान से, लेट अस टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, टॉक अबाउट क्लास। देखो बेटा वेव को हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, हमने वेव्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, करा तो तीन तरीके से पर तुम्हारे काम के लिए दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या है? देखो बेटा पहला तरीका है मीडियम रिक्वायरमेंट, मीडियम रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है ध्यान सुनना। अगर मेरी वेव को ट्रैवल करने के लिए मतलब एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है तब तो मैं उसे बोलूंगा, मतलब अगर उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो हम उसे बोलेंगे मैकेनिकल वेव। मीडियम की रिक्वायरमेंट का मतलब सॉलिड गैस, कोई ना कोई मैटर होना चाहिए, कोई ना कोई मटीरियल मीडियम होना चाहिए एनर्जी के आगे बढ़ने के लिए, तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल। और अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल। अब मीडियम की रिक्वायरमेंट ना होने का क्या मतलब है कि ये वाली जो वेव है नॉन मैकेनिकल, इसमें या वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाए, जहां पर कोई भी मैटर नहीं है ये वहां पर भी एनर्जी का ट्रांसफर करा लेगी। अब अभी इस पॉइंट पे आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, क्यों नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपने जो एग्जांपल देखा आपको तो देख के लग रहा है कि सर इस एनर्जी के आगे ट्रैवल करने के लिए ये तो बीच में पार्टिकल्स का होना बहुत जरूरी है, बोलो मानते हो कि नहीं? अगर ये मीडियम ही नहीं है बीच में तो एनर्जी कैसे आगे बढ़ रही है? वो एनर्जी कैसे आगे बढ़ती है? वो बढ़ती है बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ ऑसिलेट करते हैं इसीलिए उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन नॉन मैकेनिकल वेव्स का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के आगे जब आप पहुंचेंगे वहां पे इनकी बात की जाएगी। अभी के लिए आप इनको भूल जाइए, अभी के लिए नॉन मैकेनिकल वेव्स आपके काम की नहीं है, अभी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है शुरुआत में मैकेनिकल। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है मैकेनिकल वेव का? रियल एग्जाम्पल है साउंड। क्या है? इसका मतलब साउंड सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में ट्रैवल कर सकती है पर वैक्यूम में ट्रैवल। नॉन मैकेनिकल का रियल लाइफ एग्जांपल लाइट। लाइट बेटा वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर हम स्पेस में चले जाएं अंतरिक्ष में तो अंतरिक्ष में हम एक दूसरे की शक्ल तो देख लेंगे लेकिन एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे। बात समझ में आती है? दूसरा क्लासिफिकेशन ध्यान से देखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बेटा सिर्फ कैसी वेव्स की बात कर रहे हैं तो इधर देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। जरा इस वाले एग्जांपल को देखिए,
मुझे देख के बताइए कि इस पूरे एग्जाम्पल में कितनी चीजें हैं जो मूव कर रही है। मूव करने का मतलब कितनी चीजें हैं जो चल रही है, कितनी चीजें हैं जो चल रही है, और बात कितनी वो तो पांच लोग हैं, मैं कितनी चीजों से मेरा क्या मतलब है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस पूरे एग्जाम्पल में एक चीज तो जो चल रही है वो है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एनर्जी। एक तो कौन ट्रैवल कर रहा है, एनी प्रॉब्लम? दूसरा, ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं, पार्टिकल नंबर बी, पार्टिकल नंबर सी, पार्टिकल नंबर डी, भले ही इनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पर मीडियम के पार्टिकल कुछ देर के लिए मूव तो कर रहे हैं ना, तो रहा है ना, यानी कि दो चीजें मूव कर रही हैं, एक एनर्जी और दूसरा कौन, मीडियम। एक एनर्जी और दूसरा कौन, क्या ये बात समझ पाते हो तुम? तो अब इधर सुनो, दूसरा क्लासिफिकेशन है एंगल बिटवीन मीडियम एंड एनर्जी। मीडियम और एनर्जी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ध्यान सुनिएगा। अगर मीडियम और एनर्जी के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री तो आप बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव। कैसी वेव? और अगर मीडियम और एनर्जी के बीच में कितना एंगल बन रहा है बेटा, तो क्या बोलेंगे उसको? अब देखो इसकी बेटा रियल लाइफ फील कैसे लोगे, पहले समझो एक बात। जस्ट लुक एट, ये चीज अभी हमें आगे डिटेल में ही पढ़नी है, बट अभी आप इसका फील लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास एक रस्सी है, इस रस्सी को मैंने इस एंड पे बांध दिया, एक एंड पे फिक्स कर दिया, और ये जो दूसरा एंड है रस्सी का, ये मेरे हाथ में, इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा। अब अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे हिलाना शुरू कर दूं, इसको ऐसे पकड़ू और ऐसे करके हिलाना शुरू कर दूं, ऐसे करके जर्क देना शुरू कर दूं ऊपर नीचे, तो सोच के बताओ एनर्जी किधर जाएगी, जाएगी बेटा आगे। अच्छा यहाँ पे मीडियम कौन है, किस मीडियम पे चल रही है एनर्जी? रस्सी का पार्टिकल किधर जाएगा, रस्सी का पार्टिकल आगे जाएगा कि रस्सी का पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा? रस्सी का पार्टिकल या तो ऊपर चलेगा, मीडियम या तो ऊपर चलेगा या मीडियम नीचे चलेगा, चाहे वो ऊपर चले चाहे वो नीचे चले, एनर्जी से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री है बेटा। ये ठीक है, अब इधर देखो, जस्ट लुक हियर, एक और रियल लाइफ एग्जांपल तुमको देते हैं। मान लो बेटा मेरे घर पे पार्टी हो रही है, क्या हो रही है? पार्टी। ये स्पीकर है, क्या है ये? जब ये स्पीकर हम बजाते हैं इससे जो साउंड निकलती है वो सीधे हमारे कान में आ जाती है, मानते हो नहीं मानते? हाँ। रियलिटी में होता कैसे, कैसे वो साउंड आती है समझने की कोशिश करो। इस स्पीकर और इस कान के बीच में कौन से पार्टिकल्स हैं? एयर के पार्टिकल्स हैं, बोलो मानते हो आप? आप सबने ये चीज देखी भी होगी, बहुत क्लियरली विजुलाइज भी होता है घर में। अगर इस स्पीकर को आप बहुत जोर से बजाओ तो इसका जो डायग्राम होता है ऐसे करके हिल रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है। जब ये डायग्राम ऐसे करके हिलेगा, जब ये ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, तो सबसे पहले वो इस पहले वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। बोलो बात समझ में आती है? ये पहला वाला पार्टिकल ऐसे करके ऑसिलेट करना शुरू कर देगा ड्यू टू द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय दिस। अब जब ये ऑसिलेट करेगा तो इस ऑसिलेशन की वजह से ये अगले वाले पार्टिकल से कोलाइड कर जाएगा और उस कोलिजन में अपनी एनर्जी किसको दे देगा, कहां जाएगा? कैसा था बिफोर द डिस्टरबेंस वैसा ही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? यस। एनर्जी यहां है तो अब ये ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे ऐसे करके, क्योंकि इनके पास एनर्जी आ गई है तो इनका भैया तबाही मचेगी यहाँ पे, तो ये अपनी एनर्जी फिर कोलिजन से किधर बढ़ा देंगे, इधर बढ़ा देगा, ये इधर बढ़ा देगा, और फाइनली वो एनर्जी कहां पहुंच जाएगी आपके? तो सोच के बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है वो इस डायरेक्शन में चल रही है? यस और नो? मीडियम पार्टिकल्स, तो मीडियम पार्टिकल्स आर एयर पार्टिकल्स,
एयर पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। अगर एयर का पार्टिकल आगे जा रहा है तो एनर्जी के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, पीछे आ रहा है तो एनर्जी के साथ 180 डिग्री। ऐसी वेव है बेटा ये, क्या इतनी बात समझ में आती? कोई डाउट लिखो तो मिसेस पांडे वाला स्लाइड भी दिखाओ ना। क्या दिखाऊं? मिसेस पांडे वाला स्लाइड। इसमें क्या करेगा? तो बाद में याद आता है तरह की। ये भी लिखेगा? हाँ सर। ये भी लिख ले भाई। बोलो बच्चे। हाँ बेटा बिल्कुल होता है, हीट रेडिएशंस भी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्या 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 आपकी आवाज क्लासिफिकेशन वाला देखो, इसको लिखो अच्छे से। हालांकि अभी एक क्लासिफिकेशन और बचा है, मैं भी वो भी बताऊंगा, बट पहले आप इतना लिख लीजिए। सो वन क्वेश्चन। यस टेल मी सर, वो जो आपने मिस्टर पांडे वाला एग्जांपल दिया, तो अगर वहाँ पे मिस्टर पांडे 100 रुपीज जाकर देकर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, तो इन दैट केस हम उसे वेव नेचर बोलेंगे क्या? क्या क्या क्या? जो आपने एग्जांपल दिया मिस्टर पांडे वाला, उसमें अगर वो खुद मनी देकर आते हैं तो हमने उसे पार्टिकल नेचर कहा। नहीं बेटा, बट एनर्जी क्या थी? एनर्जी क्या है वहाँ पे? मिसेस मिस्टर पांडे की 100 रुपए, 100 रुपीज। तो जब वो खुद देने गए थे वहां तक 100 रुपए का ट्रांसफर करने, तब तक तो खुद भी मूव कर रहे थे ना। हाँ। तो 100 रुपए तो अब मिसेस पांडे के पास है। हाँ। तो दिस इज अ पार्टिकल नेचर, यस और नो? बट अगर वो वापस अपने पोजीशन पर आ गए, मतलब उन्होंने पैसे दे दिए, 100 रुपए तो दे के आ गए ना वहां पे। हाँ। तो एनर्जी तो वहां पहुंच गई। अब जब वो अपने साथ आया तो अपने साथ अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहे हैं, वो 100 रुपए वाली एनर्जी लेके थोड़ी आ रहे हैं, दोनों अलग अलग एनर्जीज है कि नहीं? Yes, sir. Understood. Thank you. Transfers. मेरी handwriting समझ में आ रही तुम लोगों ने? आ रही? मेरी handwriting थोड़ी सी गंदी है। ब्लैंक है? मतलब समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है मैंने? इतना या क्लियर है आपको जो अभी तक समझाया है? बेटा डुअल नेचर है, दोनों नेचर होते हैं। अभी जैसे जैसे आप वेव्स पढ़ोगे आपको खुद से समझ में आएगा कि डुअल नेचर कैसे आता है। केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाया जाता है, बस ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। बट अभी जो हम वेव्स को डिटेल में पढ़ लेंगे, you will be able to angle between kya medium and what angle between kya medium and energy, m stands for medium, e stands for energy, yes This is an example. If you want to note it down, you can. If you don't feel like, you can skip it. ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। लिखना? लिखिए। बोल बेटा। बेटा भी बता रहा हूं, वो भी वही थर्ड क्लासिफिकेशन के आता। क्या नहीं कंसीडर करते हैं?
बेटा वेव कंसीडर किस किस एनर्जी की, पहले तो ये समझो तुम किस एनर्जी की बात कर रहे हो, 100 रुपए की बात कर रहे हो राइट। तो जितने टाइम तक वो 100 रुपए ट्रैवल कर रहे थे उतने टाइम तक मिस्टर पांडे भी तो ट्रैवल कर रहे थे कि नहीं, यस और नो? बट बेटा उसका वापिस तो वहीं आ जाता है ना वो, हाँ बट वो टाइम इंटरवल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, दैट टाइम इंटरवल इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, डीटी टाइम इंटरवल था बता देता हूँ। लास्ट स्लाइड बेटा लो देखो जल्दी से, जल्दी लिखो, लिख लिया इतना? ये लिखना है क्या? लिखना है क्या? क्या अपन आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक तीसरा लो बेटा देखो, डन देखो, थर्ड क्लासिफिकेशन देखिए, नंबर ऑफ एक्सेस इन विच मीडियम पार्टिकल, सिंपल ऐसे लिख लीजिए, इन विच मीडियम मूव्स, याद रखिएगा मैंने लिखा है मीडियम मूव्स नॉट एनर्जी मूव्स, कितने एक्सिस में मीडियम मूव कर रहा है। जैसे आप इधर देखिए ध्यान से, इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं, इस वाले एग्जांपल की, ये जो मीडियम पार्टिकल्स है बी सी डी, ये सिर्फ आगे पीछे ही लड़खड़ा रहे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दे आर ट्रेवलिंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, That means this is a 1D wave. क्या कहलाएगी ये देखो रस्सी वाला एग्जाम्पल, रस्सी में ये जो मीडियम का पार्टिकल है ये सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर सकता है, क्या कहलाएगा ये, कैसी वेव? It is moving only along y axis. बोलो yes or no? What about this? पार्टिकल आगे पीछे ही ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो दिस इज एक्स एक्सिस, इट इज मूविंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, यस और नो? येट अगेन दिस इज योर, अभी आपको मेजरली सिर्फ 1D वेव्स के बारे में ही बात करनी है, 2D और 3D वेव्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हमको बात नहीं करनी, हमारा मेजर सिलेबस में जो वेव्स है वो सिर्फ 1D वेव्स है। हालांकि थर्ड क्लासिफिकेशन आपके काम का नहीं है, सिर्फ आपको बता दिया है जस्ट फॉर योर नॉलेज कि इस तरीके से भी वेव्स को क्लासिफाई कर देते हैं 1D, 2D और 3D। एनी प्रॉब्लम? क्या 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 क्यों बेटा ट्रांसफर स्विफ्ट 2D वेव क्यों है? तो बेटा ऊपर नीचे एक्सिस तो एक ही है, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्सिस एक्सिस एक्सेस दिख रहा है कि नहीं? गॉट माई पॉइंट? कोई दिक्कत याद है? ठीक, अब बेटा अपन काम की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, हेडिंग लिखिए वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, पीछे वाला स्लाइड बेटा, लिख लिया? चलो एक काम करते हैं, ये काम तुम सबने अपने अपने बचपन में किया होगा फॉर श्योर, और अगर किया नहीं तो देखा तो पक्का होगा। ऐसा करो, ऐसे मान लो कि मेरे पास एक रस्सी है और इस रस्सी को मैंने एक एंड पे ऐसे करके बांध दिया,
ये हो गया फिक्स्ड एंड, ये हो गया रस्सी का फ्री एंड, और ये रस्सी जमीन पे पड़ी हुई है, मतलब ऐसे मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जमीन पे पड़ी हुई है, मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ऊपर से आप देख रहे हैं जमीन पे पड़ी हुई रस्सी है। इसका जो फ्री एंड है इसको मैंने ओरिजिन मान लिया 0.0, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y एक्सिस मान लिया, और रस्सी के अलोंग x एक्सिस मान लिया पॉजिटिव x एक्सिस। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कॉमन सेंस लगाओ और सोच लो, मैंने इस फ्री एंड को ऐसे करके पकड़ा, यहां से इसको ऐसे पकड़ा और पकड़ के इसको ऊपर की तरफ झटका दिया, ऐसे करके इसको पकड़ा, पकड़ के ऊपर की तरफ क्या दिया इसको, सोच के बताइए, जब मैं इसे झटका दूंगा तो रस्सी की फोटो थोड़ी देर के बाद ऐसी दिखेगी, बोलो मानते हो? अरे यस और नो, इससे थोड़ी देर के बाद ऐसी दिखेगी, थोड़ी देर के बाद ऐसी दिखेगी, ऐसा दिखेगा आपको, पहले ये दिखेगा फिर ये दिखेगा फिर ये दिखेगा, एनी प्रॉब्लम? और बचपन से आप बोलते आ रहे हैं कि ये वेव क्रिएट हो गई रस्सी पे, ऐसे बोलते हैं अपन कि नहीं बोलते हैं? आप समझो कि क्यों इसे वेव बोलते हैं, इसे मैं वेव तभी बोल सकता हूं जब ये वेव की फंडामेंटल डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, बोलो यस और नो। एक काम करते हैं, इस पार्टिकल का नाम मैं रख देता हूं ए, ध्यान से देखना जो मैं दिखा रहा हूं यहां पर, इस पार्टिकल का नाम मैं रख देता हूं बी, इसका नाम मैं रख देता हूं सी। आओ, सबसे पहले मैंने एनर्जी किसको दी, मैंने एनर्जी ए को दी, ए ने प्यार मोहब्बत के साथ वो एनर्जी ले ली, ए ऊपर चला गया, मानते हो? ये आ गया ए ऊपर, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या बी और सी अभी तक मूव किए? अब ए ने क्या किया, ए ने अपनी एनर्जी आगे किसको दे दी, और आप देख सकते हैं अगली फिगर में जैसे ही ए ने अपनी एनर्जी बी को दे दी, ए वापस लौट के वहीं आ गया जहां वो था। बोलो बात समझ में आ गई? आप बताओ एनर्जी किसके पास है, वो एनर्जी लेके बी किधर चला जाएगा? ये आ गया बी, क्या अभी तक सी मूव किया है, अब बी ने एनर्जी किधर बढ़ा दी, सी की तरफ। अब बी ने अगर एनर्जी सी की तरफ बढ़ा दी तो बी ने जैसी एनर्जी सी को दे दी, क्या बी वापस वहीं आ गया जहां वो था? और ए बेटा हिला है कि ए अब यहीं पे आके फिक्स हो गया, सोच के बता, वो एनर्जी लेके सी किधर चला गया, ऊपर। क्या यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? जो मैं आपको दिखा रहा हूं देख के बताइए, क्या एनर्जी चलती हुई दिख रही है आपको इधर? मक्सी के पार्टिकल्स हैं, क्या ये हिले ही नहीं है? हिले, पर इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? था शुरुआत में थोड़ी देर के लिए हिला, ऊपर गया, लेकिन वापस लौट के यहीं आ गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो बताओ बी का काम क्या था इस पूरे प्रोसेस में, बताओ बी का काम क्या है? ए से एनर्जी लेना और सी को आगे बढ़ा देना, इज दैट क्लियर और नॉट? ये वेव की फंडामेंटल डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसी वेव है ये, मैकेनिकल की नॉन मैकेनिकल? 2D 3D 1D टू यू और नॉट? अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज मैंने अभी आपको जो बताई थी उसको मैं यहां दिखा देता हूं। रियलिटी में तुम इस वाले पार्टिकल को जितना ऊपर लेके जाओगे, जितना झटका मारोगे, क्या ये वाला पार्टिकल भी उतना ही ऊपर जाएगा? सोच के बताओ। नो, एनर्जी का लॉस हो जाएगा रास्ते में। यस, बट सिंस वी आर कंसीडरिंग आइडियल केस, इतनी बात पक्की है कि जितना ऊपर ए जाएगा उतना ही ऊपर बी जाएगा, जितना बी जाएगा उतना ही सी जाएगा, जितना सी जाएगा उतना ही डी जाएगा। डिफरेंट टाइम्स सेम टाइम सारे एक साथ ऊपर चले जाएंगे क्या? पहले ऊपर जाएगा ए के बाद बी ऊपर जाएगा, बी के बाद सी ऊपर जाएगा, क्या ये बात समझ में आती है? बेटा चित्र मैंने बनाया, उतना ही सुंदर चित्र आप बनाइए जल्दी से। बेटा पिछले साइड भी नजर हुआ अभी तक?
बनाओ इसको। बोल बेटा। हाँ बेटा, अगर साइनोसोडिकल होगा तो अभी बताऊंगा मैं, करेगा कब, करेगा कब नहीं करेगा। क्या एनर्जी क्या हो रही है बेटा? हम आइडियल केस मान के चल रहे हैं ना, बोलो बेटा क्या? नहीं, क्यों नहीं है? बेटा आगे पीछे नहीं होता है, उसमें जब करंट आगे पीछे होता है तो साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी चल ही रहे होते हैं ना एनर्जी लेके। क्या आपने प्रणाली बोलिए, क्या आपने ये फोटो बना ली? हो गया लिखना अच्छे से, बना लिया? Yes. लंच नहीं किया क्या तुम लोगों ने आज? नहीं, लंच करने का टाइम नहीं मिला? मेरे से मिलने की इतनी जल्दी थी, लंच ही नहीं किया तुमने? ऐसे जीवन में कुछ होगा नहीं तुम्हारा, बता दिया। कितना बना लिया? इसको बेटा बोलते हैं, इसका नाम याद रखना, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। क्या बोलते हैं? या फिर एक और नाम भी आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं, अब इसमें कंफ्यूज मत होइए, खुद से अपने आप बता रहा है। ट्रैवलिंग का मतलब एनर्जी ट्रैवल कर रही है, प्रोग्रेसिव का मतलब एनर्जी प्रोग्रेस कर रही है फ्रॉम द फ्री एंड टुवर्ड्स द फिक्स्ड एंड, इसलिए बस ये नाम रख दिए गए हैं। क्या बात समझ में आती है? चलो अब जरा हेडिंग लिखो ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, हेडिंग लिखो जरा जनरल इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, लिख लिया? ध्यान सुनना प्लीज, अगले 15 से 20 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो हम जनरल इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं इसके अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको लगानी पड़ेगी, और एक बार आपको जनरल इक्वेशन की फील आ गई उसके बाद आपके लिए वेव्स बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा, इस बात को कोई गारंटी, वो कोई दिक्कत नहीं बात। बोलो ये बात समझ में आती है मेरी? यस सर। हां सर। क्या आपने मैथ्स के फंक्शंस पढ़ लिया? हां ठीक है, दैट्स ओके। जनरल इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, हेडिंग लिख लीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, और पेन छोड़ के आराम से बैठ जाइए, जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं उसको सुनते हैं। शुरू करें, चलो इधर देखो। मान लो मेरे पास ये एक रस्सी है, मेरे पास क्या है? रस्सी। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मान लो मैंने यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया है ऐसे करके, आई हैव क्रिएटेड अ डिस्टरबेंस लाइक दिस, राइट? और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, बोलो? Bye. और ये कौन सा वाला पार्टिकल है बेटा? एक्स इक्वल टू रो वाला पार्टिकल, बोलो मानते हो कि नहीं मानते? Yes.
तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक जनरल पार्टिकल ले लूं x इक्वल टू x, एक जनरल पार्टिकल यहाँ पर, क्या आप ये मानते हैं कि ये डिस्टर्बेंस कभी ना कभी यहाँ पर पहुंचेगा? कभी ना कभी शेप यहाँ पर ऐसी होगी, मानते हो कि नहीं? कभी इनको भी y ऊपर जाने का मौका मिलेगा, yes or no? अगर मैं तुझको बोल दूं कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, दिस डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब ये जो एनर्जी है ये आगे, एनर्जी तो चल रही है, ये एनर्जी आगे v वेलोसिटी से जा रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं इस डिस्टर्बेंस को यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? बोलो, क्या ये बात समझ में आती है? एनी प्रॉब्लम? जब मैं बोल रहा हूं जनरल इक्वेशन, जब मैं बोल रहा हूं जनरल इक्वेशन, तो इस जनरल इक्वेशन से मेरा मतलब क्या है पहले वो समझ लो। इस जनरल इक्वेशन से मेरा मतलब ये है कि ये इक्वेशन मुझे किसी भी जनरल पार्टिकल x इक्वल टू x का किसी भी जनरल टाइम t इक्वल टू t पर क्या दे दे? इसका डिस्प्लेसमेंट दे दे, कि कोई भी जनरल पार्टिकल चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो किसी भी टाइम t पर वो कितना डिस्प्लेस्ड है, अगर मुझे वो पता चल जाए तो वो इक्वेशन वेव को डिफाइन कर देगी। बोलो यस। अब मेरी बात सुनो और दिमाग में, पहले आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? नाउ टेल, मैंने बोला ये रस्सी है, रस्सी में कोई जनरल पार्टिकल है x इक्वल टू x, और हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं एट एनी टाइम t इक्वल टू। तो मान लीजिए किसी भी जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी जनरल टाइम पर कितना है, हाउ मच? मुझे कोई इक्वेशन ये y निकालने का मिल जाए कि भैया किसी भी पोजीशन पे किसी भी टाइम पे मैं ये y निकाल सकूं, तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? फर्स्ट थिंग, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि जो y है इट विल बी अ फंक्शन ऑफ x फॉर सेम t? तो y है वो x का फंक्शन होना चाहिए फॉर सेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर सेम t? एक ही टाइम पे, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि किसी एक टाइम पे जाके मैंने इस रस्सी का फोटो खींच लिया, किसी एक टाइम को मैंने फिक्स कर दिया, टाइम को मैंने फिक्स कर दिया, इस रस्सी का फोटो खींच लिया, तो रस्सी के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग। हर एक्स की डिफरेंट 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 वैल्यू के लिए वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यानी कि वाई शुड बी अ फंक्शन ऑफ। दूसरी चीज, क्या तुम ये मानते हो दैट y शुड बी अ फंक्शन ऑफ t फॉर सेम x? इस बार मैंने किसे फिक्स किया? x मतलब मैंने एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया, एक पोजीशन को फिक्स कर दिया, मैंने ये वाली पोजीशन पकड़ ली, मैंने कहा अब मैं इसी पोजीशन को देखूंगा, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है। बताओ मुझे इस पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कॉन्स्टेंट होगा या टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा? सोच के बताओ। टाइम के साथ चेंज। जो y है वो टाइम का फंक्शन भी होना चाहिए, यस और नो? यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि किसी भी जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वाई, दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम दोनों के साथ वाई चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? इतना लिखो पहले जल्दी, साफ 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 लिखना। जनरल इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव कितनी बार बताऊं बेटा? क्या दिखा दूं? ए अच्छा ये समझा दूं बेटे, टाइम सेम कर देते हैं। मान लो ऐसा, मान लो ये वेव मैंने क्रिएट करी और किसी भी टाइम पे फोटो खींच लिया रस्सी का, टाइम फिक्स कर दिया, लेट से टी बराबर वन सेकंड पे मैं बात कर रहा हूं, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो तुम बताओ बेटा रस्सी के इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का सबका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल सेम होगा डिफरेंट होगा? है बेटा, तो डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब y x के साथ चेंज करेगा कि नहीं करेगा? वही तो लिखा है y the function of x। बोलो भैया, बात समझ में आ गई?
Yes, sir. Thank you. Any doubts? अच्छा मैं थोड़ा लेफ्ट मैन हूँ. अभी स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली आपको? Yes, sir. इतना लिख लिया जल्दी बताइए. नहीं सर. लिखिए लिखिए. किसी भी जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है बेटा. हाँ बोलो क्या 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 क्या. एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई थोड़ी वाई एक्स के साथ चेंज कर रहा है बेटा. पोजीशन तो रस्सी की पोजीशन थोड़ी चेंज करेगी. बोल हर्षवर्धन. हाँ अलग अलग टाइम पे बेटा. बेटा वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है फॉर सेम एक्स. मतलब फॉर सेम एक्स मतलब इस पोजीशन सिर्फ इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ. इसका डिस्प्लेसमेंट तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है. समझ आया? बोल बेटा. क्या मैं आगे बढ़ू? चलो आप बेटा ध्यान से सुनना नहीं तो बहुत ऊपर से जाएगा. इधर देखो ध्यान. तुम एक बात बताओ मुझे. ये मेरे पास रस्सी है. इस रस्सी का वो कौन सा पॉइंट है जिसे मैं चला रहा हूं? सिर्फ इस फ्री एंड को तो मैं चला रहा हूं. बोलो बात समझ में आती? रस्सी के बाकी पॉइंट्स तो उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहे हैं. जो तुम यहां कर रहे हो बाकी सारे पॉइंट उसी को कॉपी कर रहे हैं. बोलो मानते हो? किसकी जिम्मेदारी है? तो पहली चीज आप बताइए मुझे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाले पार्टिकल का, यानी कि मैं किसके y की बात कर रहा हूं? मैं y की बात कर रहा हूं. किसके y ऑफ x इक्वल टू, क्या वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ हाँ कि ना. इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा कि नहीं? आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि सर ये जो फंक्शन की बात आप कर रहे हैं ये फंक्शन डिपेंड करेगा सोर्स पर? इस पर भैया वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, पर वो कैसे चेंज हो रहा है ये तो मुझ पर डिपेंड करेगा ना कि मैं किस तरीके से इसको हिला रहा हूं. बोलो बात समझ में आती? अगर बेटा मैं इसको साइनोसोडिकली हिलाऊं तो ये साइनोसोडिकली हिलेगा. अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियली हिलाऊं तो ये एक्सपोनेंशियली हिलेगा. लीनियरली हिलाऊं तो लीनियरली हिलेगा. पैराबोलिकली हिलाऊं तो पैराबोलिकली हिले. मानते हो कि नहीं मानते? यस. और जो मैं इसके साथ करूंगा रस्सी के बाकी पार्टिकल क्या करेंगे? उसी को कॉपी करते चले जाएंगे. क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं? जो फंक्शन है ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? ये फंक्शन क्या हो सकता है? ये फंक्शन ये हो सकता है 1/1 + t² ऐसा फंक्शन हो गया. या ये फंक्शन ये हो सकता है a sin omega t plus phi. या ये फंक्शन क्या हो सकता है e^(t - x)/e^(t²). कोई भी फंक्शन हो सकता है कि नहीं? yeah. वो फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है?
कि सोर्स किस तरीके से ड्राइव कर रहा है, मतलब सोर्स किस तरीके से वेव को क्रिएट कर रहा है. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस. अब आप अपने दिमाग में एक चीज इमेजिन कर लीजिए, ये फंक्शन मान लीजिए कोई भी फंक्शन है. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट टी बराबर वन पे बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट टी बराबर वन पे बताओ, तो कैसे निकालो? का डिस्प्लेसमेंट टी बराबर वन पे कैसे बताओगे? जो भी फंक्शन इसको ड्राइव कर रहा है उसमें टी कितना वन डाल देंगे. अगर मैं पूछूं इसका डिस्प्लेसमेंट टी बराबर टू पे बताओ, तो जो भी फंक्शन इसको ड्राइव कर रहा है उसमें टी बराबर टू डाल देंगे. मैं पूछूं किसी भी जनरल टाइम टी पे बताओ, तो इस फंक्शन में टी की जगह टी डाल देंगे. इज दैट क्लियर और नॉट? क्या कह रहे बच्चे? y का डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा, इस x तो फिक्स है 0. बोलो क्या बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, जल्दी बताओ. सो फार सो गुड. ये लिखो जरा, ये बनाओ और ये लिखो. टाइम डिपेंड्स ऑन सोर्स, कैसे नहीं समझा बेटा? टाइम सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो फंक्शन सोर्स पे डिपेंड कर रहा है. कि फंक्शन मतलब अभी फंक्शन मैथ्स में कुछ भी हो सकता है ना, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टैन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है. तो ये तो मुझ पे डिपेंड करेगा ना, मैं इसे कैसे मूव कराऊंगा. गॉट माय पॉइंट? बोलो. एग्जैक्टली फ्री एंड की बात हो भाई, जो मैं फ्री एंड पे करूंगा वही तो बाकी जगह इधर होगा. क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? यस सर. पक्की बात है? यस सर. एक्स की वैल्यू अभी यहां नहीं बदल रही क्योंकि मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, अभी तो मैं फ्री एंड की बात कर रहा हूँ. बोलो बात समझ में आती है? बेटा दूसरी बेटा, ये जो वाई है ये x इक्वल टू जीरो वाले का वाई है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा. ऑब्वियसली x इक्वल टू वन पे तो पोजीशन भी आ जाएगी ना साथ में, तो निकालेंगे अभी हम. यस सर, बता दो. लिसन टू मी, ये जो इक्वेशन है, ये जो वाई है, दिस फंक्शन ऑफ टाइम, क्या ये वेव इक्वेशन है? लिसन टू मी केयरफुली, ये जो फंक्शन है जिस फंक्शन से आप इस फ्री एंड को ड्राइव कर रहे हैं, क्या ये वेव इक्वेशन है? नहीं. क्यों? वेव इक्वेशन तो किसी भी जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बतानी चाहिए. ये फंक्शन मुझे जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि सिर्फ फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है? अब एक बात बताओ, अपने दिमाग में एक चीज बताओ, मैं कोरिलेट करने की कोशिश करूं, क्या इस फंक्शन से मुझे फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट पता है? और अगर मैं किसी तरह से इस जनरल पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को फ्री एंड के डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या मुझे इवेंचुअली वो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा? मैं क्या करूंगा, इस जनरल पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को किससे रिलेट कर दूंगा? फ्री एंड के डिस्प्लेसमेंट से. और फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट मुझे इस वाले फंक्शन से मिल जाए, जिस भी फंक्शन से ड्राइव हो रहा है. बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो बस बेटा वही करने जा रहे हैं. इसको ध्यान से सुनना कैसे करेंगे. जस्ट लुक हियर केयरफुली. अभी जो मैंने आपको कहानी समझाई थी, यहां देखिए, आपने यहां एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, जो डिस्टरबेंस v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, उस डिस्टरबेंस को x बराबर x तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो मैथ्स अगर तुम्हें आती है तो बताओ, क्या तुम्हें यह बात समझ में आती है? क्या ये समझ में आता है? बोलो भाई, यस और नो? यस सर. देखो ये किसका वाई की बात हो रही है? एक्स इक्वल टू जीरो मतलब इनका किस टाइम पे? ये किसके वाई की बात हो रही है? तो मैं कुल मिला के ये कह रहा हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पर है
इसका जो डिस्प्लेसमेंट t टाइम पर है वही डिस्प्लेसमेंट इसका होगा t plus x upon v। बोलो बात समझ में आती है? क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट t टाइम पर है उस डिस्प्लेसमेंट को आगे तक पहुंचने में और कितना टाइम लग जाएगा? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा मैं कान को उल्टा पकड़ू, ध्यान सुनना। अब अगर मैं उल्टा पकड़ू तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? अगर आपको ये समझ में आ गया इसका मतलब आपको क्लैरिटी आ गई। समझ आता है क्या कह रहे हैं? बेटा फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा है y ऑफ x इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू t, मतलब इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पर जो है वही डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का होगा t प्लस x अपॉन v पर। बोलो बात समझ में आती? यस और नो? नाउ इधर देखो बच्चों, जस्ट लुक एट दिस। अब आपको इसका ऑल्टरनेट फॉर्म समझ में आता है, y ऑफ x इक्वल टू x t इक्वल टू t, इसका मतलब जनरल पार्टिकल जनरल टाइम। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम t पर वही डिस्प्लेसमेंट इनका रहा होगा t माइनस x अपॉन v पर। इज दैट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल एट t इक्वल टू t वुड हैव बीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इक्वल टू 0 एट t माइनस x अपॉन v। यस और नो? पक्की बात है? ऑब्वियसली व्हेन देयर इज नो एनर्जी लॉस, क्या When the wave is moving on the uniform speed. Hello, clear है कि नहीं? अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, तुमने बोला इसका जो डिस्प्लेसमेंट है t टाइम पे वो इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर है किस टाइम पे? डिस्प्लेसमेंट अपना दिमाग लगा के बताना, और इसका डिस्प्लेसमेंट t माइनस x अपॉन v पे निकालोगे कैसे? इसका डिस्प्लेसमेंट t माइनस x अपॉन v पे कैसे निकालोगे? Exactly. जो भी फंक्शन इसको ड्राइव कर रहा था, जो भी फंक्शन उसको ड्राइव कर रहा था उसमें t की जगह t माइनस x अपॉन v डाल देंगे। बोलो बात समझ में आती है? अगर मेरे को इस फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड पे चाहिए तो मैं उस फंक्शन में वन डाल देता, मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट दो सेकंड पे चाहिए तो जो फंक्शन इसे ड्राइव कर रहा है उसमें टू डाल देता। अभी मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट t माइनस x अपॉन v कैसे निकालूंगा? क्या अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं अगर मुझे इस फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट वन सेकंड पे चाहिए तो मैं उस फंक्शन में टी की जगह वन डाल दूंगा। बोलो यस। Yes, अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट टी बराबर टू पे चाहिए तो जो फंक्शन इसे ड्राइव कर रहा है तो मैं टू डाल दूंगा। हाँ सर। ये कौन है 21196? अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट टू पे चाहिए तो टू डाल दूंगा। तो अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट टी माइनस एक्स अपॉन वी पर चाहिए तो मैं क्या डालूंगा फंक्शन के? टी माइनस एक्स अपॉन वी। यानी कि क्या आपको समझ में आती है दैट दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एट टी माइनस एक्स अपॉन वी दिस इज फर्दर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट टी माइनस एक्स अपॉन वी एंड दिस इज द फंक्शन जिससे आप फ्री एंड को ड्राइव कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्या ये पूरी चीज क्लियर है? कहां पे? यहां पे, ये वाला। अरे बेटा एक बार इधर देखो, इधर देखो, ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? फ्री एंड, फ्री एंड का। यस और नो? और फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पर चाहिए? टी माइनस एक्स बाय वी। तो अभी बेटा हमने बात करी थी, अभी आपने लिखा था कि जो फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। हां सर। ये वो फंक्शन है ना जो फ्री एंड को ड्राइव कर रहा है। बोलो यस और नो? हां सर। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू इस टाइम पर चाहिए t माइनस x अपॉन v पर तो यहां पर मैं t की जगह t माइनस x अपॉन v डालूंगा कि नहीं डालूंगा? यस सर। तो इसका मतलब मैं फंक्शन के अंदर क्या डाल दूंगा t की जगह? बोलो यस और नो? Yeah. तो अब देखो मैं फाइनली बोलने जा रहा हूं, समझना चीजों को रिलेट कर। मैंने बोला किसी भी जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी जनरल टाइम टी पर
फ्री एंड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा t माइनस एक्स अपॉन वी पर. क्या ये बात समझ में आई? yes, फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट t माइनस एक्स अपॉन वी पर क्या होगा? उसके लिए जो फंक्शन उसको ड्राइव कर रहा है फ्री एंड को, उसमें मैं टी माइनस एक्स अपॉन वी डाल दूंगा. नहीं आई बात समझ? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? yes. इसको मैं और सिंपल वाइज समझाता हूँ, तो मुझे अपने आप पता ना, तो मैं अपने आप चमक जाएगा. एक बार बता, मैंने बोला इसका डिस्प्लेसमेंट जो 5 सेकंड पर है, जस्ट लुक हियर, मैंने बोला इसका डिस्प्लेसमेंट जो 5 सेकंड पर है वही इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड पर है. मतलब पहले ये रिलेशन समझ में आता है? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड पे निकालोगे कैसे? ट्रायंगल का फंक्शन पे 2 सेकंड. इसका सेकंड दो, इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड पे कैसे निकालेंगे? तो कोई ना कोई फंक्शन होगा ना जो इसे ड्राइव कर रहा होगा, यस और नो? हां सर. उस फंक्शन में t की जगह क्या डाल देंगे? 2. t की जगह 2 डाल देंगे. बोलो यस और नो? यस सर. अब आप बताइए, यहां से रिलेट करिए, अब आपको t की जगह क्या पुट करना है? 2 t minus x by v करना है. 2 पुट करना है, t minus x upon v पुट करना है. t minus x by v में अब आ गई आपको? बोलिए. हाँ सर. इसका मतलब ये तो पूरी रामकहानी लिखी हुई है, ये जनरल इक्वेशन है. अब मैं इसके दो पार्ट उठाने जा रहा हूं. अगर ये सारी चीजें आपस में बराबर है तो क्या आप ये मानते हैं कि दिस एंड दिस शुड बी इक्वल? यस. टेल मी व्हाट इज दिस सिंबलाइजिंग? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी जनरल पार्टिकल एट एनी जनरल टाइम. इसका मतलब मैं यहां से कंक्लूड करके लिख सकता हूं दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी जनरल पार्टिकल एट एनी जनरल टाइम इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी इट इज रिप्रेजेंटिंग अ ट्रैवलिंग वेव. इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर. और हमने जब डिस्कशन शुरू किया था वही हमने आपको ये बात बताई थी कि वाई एक्स और टी दोनों का फंक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हां सर. सकते हैं टी और एक्स दोनों का फंक्शन आया. कैन यू सी दिस और नॉट? यस. बोलो भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ तो क्योंकि पहली बार बताया है इसलिए मैंने ये तब पूरी राम कहानी लिखी है. इसके आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम सीधे लिखेंगे y बराबर फंक्शन ऑफ t माइनस x अपॉन v. बार बार ये x बराबर x और t बराबर t नहीं लिखोगे, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये जो y है ये किसी भी जनरल पार्टिकल का किसी भी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है. इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ये किसकी इक्वेशन है? ट्रैवलिंग वेव. This is the equation of. अब मैं देख लेता हूं कि तुम्हें बेसिक चीजें याद रहेंगे तुम भूल गए. ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? इट कैन बी एनी फंक्शन. और आपको याद है ये वो फंक्शन है जिससे मैं फ्री एंड को चला रहा हूं. बोलो बात समझ में आती है? yes, sir. भाई उसी फंक्शन में तो मैंने t की जगह t माइनस एक्स अपॉन वी डाला है. yes or no? yes, sir. यानी कि ये वो फंक्शन है जिससे हम रस्सी पे वेव क्या कर रहे थे? ड्राइव कर रहे थे. इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर. क्या ये फंक्शन, अभी मैंने बताया ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एक्सपोनेंशियल, इट कैन बी साइनसोइडल, इट कैन बी एनीथिंग. यस और नो? यस सर. की बात है, अच्छी बात, गुड न्यूज. आपके सिलेबस में सिर्फ साइनसोइडल ट्रैवलिंग वेव्स हैं. साइनसोइडल ट्रैवलिंग वेव्स का मतलब आपके सिलेबस में सिर्फ ये फंक्शन साइन हो सकता है या कॉस हो सकता है. इसके अलावा एक्सपोनेंशियल और दुनिया भर के फंक्शन आपको नहीं पढ़ने. बात समझ में आ रही? हालांकि ये फंक्शन हो कुछ भी सकता है. इट कैन बी अ सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन, इट कैन बी अ साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन, लॉग, e की पावर, कोई भी फंक्शन हो सकता है. अगर वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. क्या ये बात समझ में आ रही? अच्छा, एक बड़ी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको यहीं से नोटिस करेंगे आप. हमने ये जो पूरी वेव इक्वेशन डिराइव करी, आप मुझे एक बात बताइए, ये वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? पॉजिटिव एक्स. किस डायरेक्शन में चल रही है? और जब ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है तो ध्यान से देखने वाली बात यह है यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव आया. देख रहे हो एक्स का कोएफिशिएंट कैसा आया है? याद रखना, इसके बगल में लिखना दैट दिस इज वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स. वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स.
अगर कोई मुझसे कहे कि व्हाट इफ द वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स, इन दैट केस द इक्वेशन विल बी पाई अ फंक्शन ऑफ टी प्लस एक्स वाई. ये खुद से समझ में आता है कि नहीं आता है? हां सर. दिस इज अ वेव ट्रैवलिंग इन कौन सी डायरेक्शन? आपको कांसेप्ट पूरा क्लियर है कि नहीं जल्दी बताइए. नोट करो, यहां से नोट करना शुरू करो. मैंने बोला कि ये जो फंक्शन है अल्टीमेटली ये जो वाई है, ये फंक्शन, ये वही फंक्शन तो है जिससे मैं फ्री हैंड को चला रहा हूं. यस और नो? यही तो है पहली वाली. एक मिनट क्या बिल्कुल करवा सकते हैं? आगे करवा के दिखाएंगे. रस्सी पे वेव को एक्सेलरेट कराएंगे. एनर्जी को स्पीड है ये, सिर्फ ये भी यहां पर कांस्टेंट मैंने माना है. ये जरूरी नहीं है हमेशा कांस्टेंट हो, जरूरी नहीं है एनर्जी कांस्टेंट स्पीड से आगे जाएगी. आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि एनर्जी एक्सेलरेट भी करेगी. समझ आई बात? नेक्स्ट स्लाइड. चलो देखो, खाना वाला नहीं खाया इसका मतलब आज तक लोगों ने, है ना? टाइम नहीं मिला, इतने बिजी हो गए हो. अरे तुम्हारे 2 बजे से तो लेक्चर से 2 से पहले तो खा लेते. तुम तो क्या कर रहे थे ऐसा? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही? यस. एक्स इक्वल प्रीवियस स्लाइड देखो बेटा. इससे पहले वाली स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड में तो ये था बेटा. इसमें क्या करूं? क्या हो गया? लिख लिया हो गया सर. आगे बढूं? यस सर. चलो इधर देखो, अब एक चीज सुनो ध्यान से. अब तक मुझे इतना पता है कि y is equal to a function of t plus minus x upon v. ऐसा जहां पर भी दिखेगा मैं बोल दूंगा कि ट्रैवलिंग वेव है. बोलो मानते हो? लेकिन प्लीज बेटा इसको ध्यान दीजिए. यहां पर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसको पहले अच्छे से समझेंगे, फिर स्टार पॉइंट लगा के अपने नोट्स में लिखेंगे. ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी फंक्शन देख लिया t plus x upon v का
और मुंह उठा के लगा दिया कि वेव इक्वेशन है और मिठाइयां बांट दी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये भी जरूरी है, जैसे आप एक एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने तुमसे पूछा वाई बराबर टू साइन एक्स माइनस पी अपॉन सी, बताओ ये इक्वेशन है? किस डायरेक्शन में चल रही है ये वेव? पॉजिटिव x। एक और चीज जरा ध्यान से देखिएगा, इस x के नीचे जो आता था वो v था और v वही स्पीड थी जिससे डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा था, एनर्जी आगे बढ़ रही थी, बोलो यस और नो? यस। इस v को हमने बोल दिया वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी से वेव प्रोपगेट कर रही है, यानी कि एनर्जी आगे बढ़ रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस। इसको देख के बताइए व्हाट इज द वेव वेलोसिटी? 3। बात समझ में आ गई? अब इधर देखो एक दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो पेपर में आ गया y is equal to 1 upon sin t minus x upon 6 और आपसे पूछ लिया कि क्या ये वेव इक्वेशन है या नहीं है, तो इसको देख के ये मत समझना कि सर t minus x upon v का फंक्शन है, हमने लगा दिया, ये वेव इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इधर देखो, अगर बेटा इसके अंदर मैं x की वैल्यू 0 डालूं और t की वैल्यू भी 0 डालूं, क्या y नॉट डिफाइंड दिख रहा है? Yes, y की वैल्यू कहां टेंड कर रही है जल्दी बताइए? Infinity। 0 t 0 पे y नॉट डिफाइंड है कि नहीं है? Yes। अब इसको फिजिकली समझने की कोशिश करो कि ये इक्वेशन मुझे बता क्या रही है। इधर देखो रस्सी को देखो जरा, ये तुम्हारी रस्सी है। पहले इधर देखिए, x equal to 0 का मतलब किसकी बात हो रही है? x equal to 0 का मतलब इस वाले t equal to 0 का मतलब कब बात हो रही है? बिल्कुल शुरुआत में, yes or no? और y की वैल्यू कितनी आ रही है? मतलब ये इक्वेशन मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिल्कुल शुरुआत में ये वाला जो पॉइंट है x बराबर 0, ये कहीं इंफिनिटी पे टंगा हुआ है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये वेव इक्वेशन, यानी कि ये जो भी फंक्शन है ये वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट तो करेगा, प्रोवाइडेड ये एक्स और टी की हर वैल्यू पे डिफाइंड होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? वाई की वैल्यू इंफिनिटी नहीं जानी चाहिए, रस्सी का पार्टिकल इंफिनिटी तक नहीं जा सकता बेटा। वाई है क्या? रस्सी के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो उसका पार्टिकल इंफिनिटी तक थोड़ी चला जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ इधर देखो, वाई बराबर 1 अपॉन साइन टी माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 1, क्या ये वेव इक्वेशन है? नहीं है। ध्यान से सुनो, ये साइन लिखा है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस माइनस 1 से प्लस 1 होती है कि नहीं? एक्स और टी की, एक्स और टी की कोई वैल्यू तो ऐसी होगी ना जिसपे ये बन जा सकता है, यस और नो? हां, ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, वाई इंफिनिटी टेंड कर जाएगा, ये वेव इक्वेशन नहीं है। बोलो गॉट दिस और नॉट? यस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि फंक्शन हमेशा डिनोमिनेटर में हुआ तो नहीं होगा, नहीं। एक बार बताओ, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस 2 कर दूं, अब बताओ अब डिफाइंड है कि नहीं है? हाँ है, थोड़ी जीरो जा रहा है यार ये, ऐसे रटो मत चीजों को बेटा, दिमाग लगाओ, स्टार पॉइंट लगा के जल्दी से लिखिए। द फंक्शन रिप्रेजेंटिंग वेव इक्वेशन, द फंक्शन रिप्रेजेंटिंग वेव इक्वेशन, फंक्शन रिप्रेजेंटिंग वेव इक्वेशन मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी। फंक्शन रिप्रेजेंटिंग वेव इक्वेशन मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी। द फंक्शन रिप्रेजेंटिंग वेव इक्वेशन मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी। x and t, बोलो बात समझ में आती है? क्रू से लेकर यहां तक हमने जितनी भी राम कहानी आपको सुनाई है, क्या आपको समझ में आई है?
कोई भी दिक्कत अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कंडीशन कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कंडीशन स्पेसिफाई किया कि साइन का वैल्यू प्लस वन नहीं हो सकता तो फिर हम लोग वेव इक्वेशन कहेंगे अगर वो एक कंडीशन ला दे उस पे तो उस रेंज के अंदर हो जाए उस डोमेन में समझ आई बात इधर सुनो ध्यान लिसन टू मी केयरफुली आपको बताया कि हम लोग सिर्फ कैसी वेव्स के बारे में बात करेंगे अरे बेटा ऐसे करोगी तो कैसे होगा बड़े आगे दो मिनट रुक जाए बनाओ मैगी बनाओ जल्दी से जल्दी बनाओ मैगी बन गई लास्ट स्लाइड और बताओ इससे भी पीछे चला जाऊं चलो डन जस्ट लुक एट हमको बात करनी है साइनोसोइडल वेव्स की इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरी रस्सी है अगर ये मेरी रस्सी है तो जो फंक्शन इसको ड्राइव करेगा ध्यान सुनना जो फंक्शन इस फ्री एंड को ड्राइव करेगा वो फंक्शन साइनोसोइडल होना चाहिए तभी इस पे साइनोसोइडल वेव जनरेट होगी बोलो यस यस Yes. तो मैंने बोला कि इसको जो फंक्शन ड्राइव कर रहा है लेट मी से दैट फंक्शन इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मानते हो कि नहीं मानते हो yes. ये इक्वेशन आपने एसएचएम में पढ़ी है साइनोसोइडल यस और नो इसको ये ड्राइव कर रहा है मेरा पहला सवाल क्या ये वेव इक्वेशन है या ये फंक्शन ड्राइविंग फंक्शन है फंक्शन है इक्वेशन क्यों नहीं है क्योंकि वेव इक्वेशन फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट बताती है कि जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताती है वेव इक्वेशन तो जनरल का बताती है बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो यस अब तो तुमने पूरे डेरिवेशन भी सीखा अगर तुम्हें वो बात समझ में आ गई तो तुम्हारा काम यहां खत्म हो गया किसी भी जनरल पार्टिकल x = x का जो डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए t = t पर वो मैं बाय कांसेप्ट कह सकता हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट t पर है वो इसका डिस्प्लेसमेंट t माइनस x अपॉन v पर रहा होगा बोलो यस और नो यस इसका डिस्प्लेसमेंट t माइनस x अपॉन v पर कैसे निकालोगे इस फंक्शन में t की जगह t माइनस x अपॉन v डाल दोगे यस और नो यस अगर मुझे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पर चाहिए तो जो भी उसका ड्राइविंग फंक्शन है उसमें t की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इज दैट क्लियर और नॉट यस सो व्हाट शैल बी माय वेव इक्वेशन व्हाट शैल बी माय वेव इक्वेशन a sin omega t minus x by v plus 5 a sin omega t की जगह क्या आ जाएगा अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ बाद में बेटा मुझसे लड़ना मत इस बात को लेके यहाँ पे माइनस की जगह प्लस भी आ सकता है बोले बात समझ में आ रही yes, yes. मैंने ऐसा माना है कि इधर ट्रैवल कर रही है वेव तुम कहीं बाद में लड़ने आ जाओगे सर आपने माइनस क्यों लिया प्लस भी बोलो बढ़िया लग रहा है कोई दिक्कत क्या रिपीट करूं कौन सा वाला पार्ट मैंने बोला यहाँ प्लस भी आ सकता है आ सकता है समझे चलो इधर देखो ए साइन अगर मैं ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई बी एक्स प्लस फाइव बोलो एग्रीड और नॉट अरे एग्रीड और नॉट ना अब मैं बेटा एक काम कर रहा हूं इस ओमेगा बाई बी को एक नाम दे रहा हूं जिसको मैंने नाम दे दिया के क्या नाम दे दिया के वी विल कॉल दिस के एज एंगुलर वेव क्या बोलेंगे इसको हम लोग
एंड तो मेरे पास क्या इक्वेशन बच जाएगी, बोलो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन दैट आई एम लेफ्ट विद, ये जो इक्वेशन है ये एक साइनोसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज एन इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग अ साइनोसॉइडल वेव। मेरे सिलेबस में मुझे सिर्फ यही पढ़ना है, आई एम श्योर आपको इतना मैथ्स आती है कि अगर यहाँ मैं फाइ की जगह पाई बाई टू डाल दूंगा तो ये साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, समझ में आ रही है बेटा। फाइनली जनरलाइज करके लिखूं तो जनरलाइज करने के लिए मैं इसमें छोटा सा चेंज और कर सकता हूँ, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस माइनस कर दूं, बोलो बात समझ में आ रही है? यस यस आपकी बात यस। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है बोलिए यस नो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव, नोट कर लीजिए इसको। क्या कह रहे बच्चे? हाँ बेटा SHM पढ़ाया आपने कि नहीं पढ़ाया? SHM साइनोसॉइडल का क्या मतलब होता है? साइन और कॉस का फंक्शन, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन साइन और कॉस की होती है ना। a sin omega t plus phi vf की इक्वेशन नहीं है, a sin omega t plus phi उस फंक्शन की इक्वेशन है जिससे मैं फ्री एंड को ड्राइव कर रहा हूं, जिससे मैंने वेव चलाई है, समझ आई बात? उससे जो वेव बनी है वो उसकी इक्वेशन निकलती है, कोई दिक्कत? यस, जो आपने डेरिवेशन में ft लिखा था ये वही ft है, गॉट इट? क्या? हाँ बेटा आइडियल केस ही मान के चल रहे हैं, तभी तो हम हर पार्टिकल का वाई सेम बोल पा रहे हैं, वरना तो वाई सेम बोल ही कैसे पाओगे। बिल्कुल है बेटा, वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो लिख लिया आपने, बोलिए लिख लिया आपने? हाँ तो इधर देख, जस्ट टेल मी वन थिंग, क्योंकि आप सबने ऐसा क्लेम किया है कि आपने SHM ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आई होप मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये सब पता है ना। अब एक चीज देखो बेटा, जो चीज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं इसको देखो, तुम्हें अपने आप क्लैरिटी आएगी। एंगुलर वेव नंबर ओमेगा बाई वी, लिख लो एक बार यहाँ पे ओमेगा बाई वी एंगुलर वेव नंबर, लिख गया? हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे हम लोग, परेशान ना, तो अभी इसको ओमेगा बाई वी रहने देंगे, ठीक है ना? कैन वी मूव अहेड? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये तुम्हारी रस्सी है, राइट? यस सर। इस रस्सी में अगर एक साइनोसॉइडल वेव चल रही है तो साइनोसॉइडल वेव की इक्वेशन है
a साइन ओमेगा टी माइनस एनी प्रॉब्लम कई बात समझ में आती है अब मेरी बात सुनो और ध्यान पहले तो ये बताओ ये कहीं देखा है तुमने अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो देखा है SHF डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHF SHF की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपको ये पता होगा कि ये एक्सेलरेशन होता है पता है कि नहीं पता है यस यानी कि ए बराबर क्या होता है ओमेगा हां इन्हें ओमेगा स्क्वायर ये सामने पढ़ा हुआ है यस हां हां यस अब मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि प्री एंड के साथ मैं फ्री एंड के साथ मैं जो भी करूंगा बाकी रस्सी उसी को रेप्लिकेट करेगी ये बात समझ में आती इफ दिस इज अ साइनोसोइडल वेव इस फ्री एंड को मैंने साइनोसोइडिकली मूव कराया है इनफैक्ट सिंपल हार्मोनिकली मूव कराया है अगर आप यहाँ पे देखें तो इस फ्री एंड को मैंने सिंपल हार्मोनिकली मूव कराया कि नहीं कराया yes, तो अगर बेटा मैंने इसको सिंपल हार्मोनिकली मूव कराया है तो रस्सी के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली मूव करने चाहिए yes, That means, इस रस्सी का हर पार्टिकल वाई एक्सिस में क्या करना चाहिए SHM करना चाहिए हम इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं कि इस रस्सी का हर पार्टिकल वाई एक्सिस में क्या कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली मूव एनर्जी किधर चल रही है बेटा पॉजिटिव एनर्जी चल रही है इस तरफ और कितनी वेलोसिटी से चल रही है पार्टिकल एक्स में चल रहा है कि पार्टिकल वाई में चल रहा है पार्टिकल वाई एक्सिस में चल रहा है और पार्टिकल जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसको मैंने वीपी बोल दिया बोलो इतनी बात समझ में आती है नाउ कैन यू टेल मी हाउ विल आई फाइंड वीपी पार्टिकल की वेलोसिटी मुझे ये तो वी तो वेव की वेलोसिटी मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर चाहिए अलोंग वाई एक्सिस मैं इसे कैसे निकालूंगा सिंपल सा आंसर ये जो वाई है क्या ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है बेटा ये सुनो तो अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं विल आई गेट द पार्टिकल वेलोसिटी लेकिन आपने मैथ्स में भी पढ़ ली होगी आई एम श्योर और फिजिक्स में भी आपको वर्क एनर्जी में सिखाया गया होगा ये जो वाई है ये सिर्फ टी का फंक्शन नहीं है ये टी और एक्स दोनों का फंक्शन है इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट व्हेन आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम आई टेक एक्स एज़ कांस्टेंट ये कितना आ जाएगा ए साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव और फिर जब आप अंदर डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल से तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा इज दैट क्लियर अगर मैं आपसे कहूं पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालिए तो पार्टिकल के एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप कहेंगे सर वो जो वेलोसिटी आई है उसे एक और बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए हाँ या ना एक और बार डिफरेंशिएट करो ऐसे लिखो देखो ओमेगा ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन ओमेगा टी ओमेगा और बात ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा बोलो बात समझ में आती है अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस माइनस ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के ये जो पूरा लिखा है ये वाई है जिसे लेके आप चले थे अरे दिखा कि नहीं दिखा गया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई क्या ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है यस सर आपने जो आपके पढ़ा था एसएचएम में वो आपने ये पढ़ा था ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर तो वहां पे एक्स क्यों आता था क्योंकि हम लोग पार्टिकल को ऐसे एक डायरेक्शन में मूव करा ऐसे ऑसिलेट कराते थे रस्सी का पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है वाई में ऑसिलेट कर रहा है इसका मतलब दिस इज इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि साइनोसोइडिकल वेव में एनर्जी जब ऐसे आगे बढ़ रही होती है तो रस्सी का पार्टिकल वाई एक्सिस में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है क्या ये बात समझ में आ रही है यस अच्छा हमें इस चीज को प्रूव भी कर सकता हूँ अगर मैं आपसे पूछूं कि रस्सी के पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी और कहाँ होगी तो आप मुझे क्या बताएंगे
मेन पोजीशन कितनी होगी? ओमेगा ए ओमेगा यस सर। इस चीज को देखो तो यहाँ मैथ से भी दिख जाएगा, इस रस्सी के पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा ही आएगी और वो तब आएगी जब कॉस अपनी वैल्यू वन ले लेगा। कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू वन ले लेगा, अगर कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू वन ले लेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। इसका मतलब रस्सी का पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा वाई एक्सिस में? एस एच 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 किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? बोलो भाई, क्या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? नो। लिखिए एक मिनट जल्दी से, राइट इट डाउन। क्या कह रहे हैं बच्चे? एंगुलर वेव नंबर क्या? क्या दिस के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा बेटा? वेवलेंथ कांस्टेंट होगी तो ये भी कांस्टेंट होगा। बेटा प्रीवियस स्लाइड अभी तो दिखाई थी, क्या बचा प्रीवियस स्लाइड में? यस सर। Which equation? This one? Or this one? This is the acceleration of particle. How will I find it? I'll differentiate the velocity with respect to time. Get it? So, beta, ye velocity likhi hui hai upar. A omega cos omega t minus x plus y. Isko agar main differentiate kar do, to acceleration aa jayega ki nahi? So, isko maine dobara differentiate kar diya. पार्शियल डेरिवेटिव आता है कि नहीं आता है पहले तो ये बताओ। पार्शियल डेरिवेटिव आता है कि नहीं आता है? पार्शियल डेरिवेटिव तो पढ़ाया गया होगा ना भाई, वर्क एनर्जी में यूज किया होगा आपने। क्या हो गया? अरे बेटा पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इधर देखो वाई है एक्स क्यूब। अगर ये वाई एक्स क्यूब है तो वाई सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो आप यूज करोगे dy by dx, आंसर आ जाएगा 3x square। समझ आती है बात? अगर y है x square t, आप y x और t दोनों का फंक्शन है, इस केस में मैं यूज करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव डेल y डेल t। अगर मैं इसको पार्शियली डेरिवेटिव ले रहा हूँ t के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब होता है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो बाकी वेरिएबल्स को एज अ कांस्टेंट। तो t का कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। बात समझ में आई? और अगर मैं आपसे कहूँ इसी में डेल वाई बाय डेल एक्स निकालिए, तो अब मतलब है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, t को कांस्टेंट मान लेना, तो t तो कांस्टेंट हो गया। कितना लिख लिया आप सबने? All of you, yes? Yes. अब एक काम करते हैं, before we sign off, ईमानदारी से बताइए जितना भी वेव हमने आज आपको पढ़ाया, क्या आपको एक एक चीज समझ में आई? Yes. Are you crystal clear with the basics and ideas of waves? Yes, sir. किसी भी इंसान को क्या आप ये समझा पाएंगे कि वेव और पार्टिकल में एक्चुअल में अंतर क्या है? Yes, sir. वेव के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाए, पर मास का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो? जीरो। याद रखने वाली बात है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मास मूव ही नहीं करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। ऐसे पकड़ के हिलाई है और उस रस्सी पे जो हो रहा है वो समझ में आता है आपको? यस। एंड जनरल इक्वेशन का डेरिवेशन क्लियर है? यस सर। फंक्शन जो t + - x / v का हो, वो t plus minus x upon v का
वो वेव इक्वेशन को डिफाइन करेगा प्रोवाइडेड वो x और t की हर वैल्यू पे क्या हो डिफाइंड हो. इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर. यस. तो बेटा ये आज की क्लास के लिए है. एक और चीज, आई एम सेंडिंग यू गिविंग यू माय नंबर. आई विल सेंड यू अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक 8384888469. आप में से काफी लोगों के पास हो सकता है, हो पहले से, इनके पास नहीं है. दिस इज माय नंबर. आपको इन जनरल फिजिक्स में अगर कोई डाउट आता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको वेव्स पढ़ा रहा हूं तो आप मुझसे सिर्फ वेव्स का डाउट पूछ सकते हो. इन जनरल अगर आपको कोई भी डाउट आता है, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आई एम अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के. दूसरी चीज, आई विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल सेंड अ लिंक आपके कोऑर्डिनेटर्स को, उस ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज आई विल बी सेंडिंग द रिकॉर्डिंग. एंड क्या आपको लेक्चर स्लाइड चाहिए? ठीक है, लेक्चर स्लाइड्स, और वो मैं आपको उसी ग्रुप पे भेज दूँ. इज दैट क्लियर? यस. यस. आप बोलो बेटा, पूछो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी? बेटा देखो, ये बेटा रस्सी है, दिख रहा है? एक बार बताओ, एनर्जी किधर चल रही है, वेव किधर चल रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह. जिस स्पीड से एनर्जी चल रही है उसको तो मैंने बोला वेव वेलोसिटी. बोलो, बात समझ में आती है? हाँ. पार्टिकल किधर चल रहा है? पार्टिकल अपनी पोजीशन. अरे रस्सी का पार्टिकल ये कहाँ जा रहा है? ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह जा रहा है कि ऊपर नीचे मूव कर रहा है? ओके, वाई एक्सिस के इस पे. ये अगर वाई एक्सिस में मूव करेगा तो ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? पार्टिकल वेलोसिटी. ये वो वेलोसिटी है जिससे रस्सी का पार्टिकल ऊपर निकल रहा है, और जिस स्पीड से एनर्जी आगे जा रही है वो वेव की वेलोसिटी. समझ आई बात की नहीं आई? ओके. यस सर, गॉट इट. सर लास्ट स्लाइड ले लेना. हां बोलो बेटा. सर नहीं, इसके बेटा वो तो सिर्फ x और t के उस वैल्यू पर है ना, कि x और t के हर वैल्यू पे होना चाहिए ना. कहीं भी कभी ना कभी तो पूरा साइन वन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? x और t के किसी ना वैल्यू पे, तो उस वैल्यू पे तो y नॉट डिफाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट रस्सी पे ऐसा होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट इंफिनिटी आएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल. बात समझ में आ गई? इधर देख, ये रस्सी है बेटा, ठीक है? पहले काम करते हैं, टाइम फिक्स कर दें. मान लिया मैंने टाइम फिक्स कर दिया, रस्सी की फोटो खींची, रस्सी की फोटो खींची, रस्सी मुझे ऐसे दिख रही है. बोल, बात समझ में आती है? सोच के बता, इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये भी अलग अलग है. तो हर x के लिए y अलग अलग है कि नहीं है? तो इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x. बोल, बात समझ में आती है? अब x फिक्स कर दे. क्या फिक्स कर दे? x फिक्स करने का मतलब एक पार्टिकल फिक्स कर लेते हैं. इस वाले पार्टिकल को देख लें. तो अब इस वाले पार्टिकल की बात करते हैं. इस वाले पार्टिकल को हम लोग देखेंगे और सिर्फ इसी को देखेंगे, सिर्फ इसी को देखेंगे. इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा कि नहीं? इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके साथ चेंज हो रहा होगा? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, जो आज पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया आप सबको? हाँ सर. माय साइड इन टुडेज लेक्चर. प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आज की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा. नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से विशाल भी कंटिन्यू. ऑलराइट? ओके सर. यस सर. थैंक यू सर. टेक केयर.
थैंक यू सर।